पहाड़ियों और शांत नदी के बीच बसे एक छोटे सुरम्य शहर में एम्मा और डेविड नाम का एक युवा जोड़ा रहता था। उनकी प्रेम कहानी किसी अन्य से भिन्न थी क्योंकि यह समय और स्थान से परे थी। एम्मा एक महत्वाकांक्षी कलाकार थी। उसकी आंखें पेंटिंग की उत्कृष्ट कृतियों के सपनों से भरी थीं, जो जीवन के सार को पकड़ लेती थीं। दूसरी ओर डेविड एक प्रतिभाशाली संगीतकार था, जिसके पास गिटार था जो उसकी आत्मा की धुनें गाता हुआ प्रतीत होता था। उनके रास्ते एक गर्मियों की शाम को एक स्थानीय कैफे में पहुंचे, जहां एम्मा एक चित्र बना रही थी और डेविड अपना गिटार बजा रहा था। उनका संबंध तत्काल था, मानो उनकी आत्माएं सुदूर अतीत से एक दूसरे को पहचानती हों। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ समय बिताया, अपने अपने शिल्प के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया। एम्मा की पेंटिंग्स उसके दिल में संगीत को प्रतिबिंबित करने लगीं और डेविड के गाने उसके कैनवास पर ज्वलंत रंगों से प्रेरित थे। उनका प्यार रचनात्मकता और स्नेह का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। एक मनहूस शाम वे सितारों को देख रहे थे और एम्मा फुसफुसाए, क्या होगा अगर हम हर युग में एक साथ रह सकें, अपने सपने और प्यार साझा कर सकें। इस विचार से मंत्रमुग्ध होकर डेविड ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, चलो इसे वास्तविकता बनाते हैं। साथ में वे समय और स्थान से परे जाने का रास्ता तलाशते हुए खोज की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जाना और ध्यान और गहन दृश्य का अभ्यास किया। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्यार और जुनून में समय की सीमाओं को तोड़ने की ताकत है। एक रात जब वे गहरे ध्यान में बैठे थे, तो उन्हें एक असाधारण घटना का अनुभव हुआ। उन्होंने खुद को एक अलग युग में ले जाया हुआ महसूस किया, एक समय जब एम्मा पुनर्जागरण इटली में एक कलाकार थी और डेविड एक परेशान व्यक्ति था जो उसे अपने गिटार के साथ मंत्रमुग्ध कर रहा था। उन्होंने युगों तक नृत्य किया, अलग अलग जीवन का अनुभव किया और हर किसी में अपने सपने और प्यार साझा किए। उनकी प्रेम कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई क्योंकि उन्होंने समय और स्थान को पार कर यह साबित कर दिया कि प्यार और जुनून वास्तव में सभी सीमाओं को जीत सकते हैं। एम्मा की पेंटिंग और डेविड का संगीत उनके शाश्वत प्रेम के सार को दर्शाते हुए कालजयी हो गए और आज भी जब आप छोटे शहर में जाते हैं, तो आप अभी भी उनकी प्रेम कहानी की गूंज, सपनों की शक्ति और समय और स्थान से परे प्रेम की स्थायी प्रकृति का प्रमाण महसूस कर सकते हैं।